नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं मार्केट की पाठशाला स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल का क्या लेवल्स होगा जिस पर हम सब कल ट्रेड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी यदि इसको सेल साइड में यदि जाना है तो 32,000 सेल साइड के लिए जो आपका जो लेवल है बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का, ये आपको लेवल हम प्रोवाइड करवा रहे हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो जोन्स हम आपको देंगे उसी जोन्स पर आप लोगों को ट्रेड करना है। डायरेक्ट रूप से ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्यूचर का है, ठीक है। फ्यूचर का एनालिसिस और लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड हम कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी 32,480 से 32,360 ये जोन्स को जैसी ही क्रॉस करता है नीचे साइड में, यही वो जोन्स है। ये जोन्स को जैसी वो नीचे साइड में क्रॉस करता है ये इसका एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है, एंट्री पॉइंट होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इसका एक लेवल निकल करके आ रहा है 32,170। यदि आप दो लॉट इस जगह पे अगर आप सेल मारते हैं उस परिस्थिति में 32,170 के पास में जो है एक लॉट को जरूर निकाल दीजिएगा। एक लॉट को 32,170 200 के लमसम में एक लॉट को पक्का निकाल दीजिएगा और एक लॉट का जो स्टॉप लॉस है वो अपना स्विंग हाई पे जो है बना करके रखिएगा। यदि इस लेवल्स को अगर वो डाउनसाइड में ब्रेक करता है, ब्रेक करके क्लोजिंग अगर देता है, उस परिस्थिति में जो है आप निश्चिंत रहिए कि इसके बाद जो लेवल्स जो आ रहा है 31,747 से 31,573 का ये जोन है, इस जोन के पास तक आएगा और यहीं पर एक ट्रेंड लाइन भी गुजरा है, ठीक है, जहां से हम बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस जो आप लोग को बताए थे उस वीडियो में आप लोग को बताए थे एक ट्रेंड लाइन के बारे में। तो वो ट्रेंड लाइन इसी एरिया में गुजर रहा है, ठीक है। और इसके बाद यदि वहां भी होल्ड नहीं कर पाता है तो इसके बाद जो आपका जो लेवल्स आएगा 31,061 से लेकर के 30,868 ये एक जोन है, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा ये, सेकेंड टारगेट आपका होगा 31,747 से 31,573, थर्ड टारगेट जो आपका जो होगा वो 31,061 से 30,868 का, ठीक है। ये रहा आपका सेल साइड का 15 मिनट टाइम फ्रेम में है। तो आप जो भी ट्रेड आप जो इसमें बनाएंगे वो आपका जो ट्रेड होगा 32,480 से 32,360 का लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद, मतलब कि ये कोई जोन है 32,480 से 32,360 का जोन है, ठीक है, 32,360 का जोन है। यदि कोई 15 मिनट का कैंडल इस जोन के नीचे का ब्रेकडाउन दे करके क्लोजिंग दे देता है और जो क्लोजिंग जो दिया हुआ जो कैंडल है इसके लो को जैसी ब्रेक करेगा वैसी आपको ट्रेड इनिशिएट करना है सेल का, ठीक है, ये सेल का एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा, बाय चांस यहां से नीचे आया, नीचे आने के बाद टारगेट ना दे करके ये रिवर्स कर जाता है, उस परिस्थिति में 32,480 के ऊपर यदि कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे देता है और उस परिस्थिति में उस कैंडल जो क्लोजिंग जो दिया है 15 मिनट का, उस कैंडल का जो हाई है उसके हाई को क्रॉस कर जाता है, उस परिस्थिति में आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका सेल साइड का। बाय साइड का क्या होगा ये भी 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, ध्यान दीजिएगा, और बैंक निफ्टी फ्यूचर का ही है। तो बाय साइड का जो आपका ट्रेड होगा वो आपका 33,085 से 32,970 का एक जोन है, ठीक है। इस जोन को निकालेगा तभी आपको ट्रेड लेना है, ठीक है, बाय साइड के लिए। यहां से आपको जब कोई ये कोई जोन है इसके हाई को 33,085 के ऊपर कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दिया और इसके हाई को ये जो हाई जो बना नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक अगर कर दिया तो आप बाय का एंट्री ले लीजिएगा। यहां से आपको जो है फर्स्ट टारगेट आपको जो मिलेगा सबसे पहला वो 250 से 300 पॉइंट का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, 250 से 300 का फर्स्ट टारगेट होगा, ध्यान दीजिएगा। और उसके ऊपर जो है मतलब इसका 250 से 300 का मतलब हो जाता है 33,350 से 450 का जोन, ये जोन आपको जो है फर्स्ट टारगेट देगा। सेकंड जो आपका जो टारगेट होगा 33,700 से 33,800 का ये जोन, ठीक है। तो बाय साइड का ये आपका एंट्री बनेगा और सेल साइड का आप लोगों को हम बता चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं आपका निफ्टी पे। निफ्टी में यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी जिस तरह से निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लेवल्स आप लोगों को प्रोवाइड किए थे सेम उसी तरह से दोनों ट्रेड चला था,
लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा इस लेवल के ऊपर 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग हो जाएगा और उसके हाई को अगर ब्रेक कर देगा तभी आपका बाई का एंट्री बनेगा, ठीक है, बाई का एंट्री बनेगा। अगर सेल का एंट्री करना है तो इस लेवल के नीचे जैसी 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग होगा और क्लोजिंग वाला जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है, ये कैंडल का लो जैसी ब्रेक होगा वैसी सेल का एंट्री होगा। तो इसमें जो आपका जो आपका ट्रेड कहाँ पे होगा वो चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको हम नोट डाउन हम करवा दे रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि निफ्टी का ये फ्यूचर का ये चार्ट का एनालिसिस हो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम में हो रहा है, ठीक है। तो बाई का जो आपका जो एंट्री बनेगा वो आपका बाई का एंट्री है 14972 से 14938, 14938 ये जोन को 15 मिनट का कैंडल जब निकालेगा और निकालने के बाद नेक्स्ट कैंडल उसके हाई को ब्रेक करेगा तभी आपका एंट्री बनेगा, ये आपका एंट्री पॉइंट हुआ, ठीक है। जिस स्थिति में अगर एंट्री अगर बन जाता है तो आपका जो टारगेट होगा, टारगेट वन आपका जो होगा वो है आपका 15113 से 15138 का ये जोन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा। टारगेट टू क्या होगा, वो आपका है 15226 से 15226 से 15253 का, ये आपका सेकेंड टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका बाई साइड का है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में है, डायरेक्ट फ्यूचर का निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस किया हुआ है, निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस किया हुआ है, इस सबसे एनालिसिस फ्यूचर का कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट इसी लेवल्स पर आप ट्रेड कर पाइए, तो ये निफ्टी फ्यूचर का एनालिसिस है। तो अब आते हैं सेल साइड के लिए, सेल के लिए आपका क्या एंट्री पॉइंट बनेगा, तो सेल के लिए जो आपका जो एंट्री पॉइंट है 14851 से 14815 का एक जोन है, इस जोन को ब्रेक करेगा कोई 15 मिनट का कैंडल और नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करेगा तभी आपको सेल साइड में एंट्री लेना है, ठीक है, एंट्री लेना है। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, एंट्री आपका 14851 से 14815 के नीचे कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे दे और उस कैंडल का लो ब्रेक कर दे जो क्लोजिंग जो दिया है तो आपका सेल का एंट्री होगा। इस परिस्थिति में आपका जो टारगेट होगा वो आपका टारगेट होगा 14661 से 14630 का, 14630 का एक जोन है, ये आपका टारगेट वन हो जाएगा, टारगेट वन हो जाएगा। टारगेट टू आपका जो होगा, टारगेट टू आपका जो होगा वो है 14537, 14537 से 14510 का एक जोन है, ध्यान दीजिएगा ये आपका सेकंड टारगेट होगा। यदि निफ्टी जो है 14851 से 815 के नीचे का 15 मिनट कैंडल का क्लोजिंग मिलता है उस परिस्थिति में आपका जो टारगेट है 14661 से 14630 का जोन पहला, दूसरा जो टारगेट है 14537 से 14510 का, ये दूसरा आपका टारगेट होगा। तो ये था आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स जो कि फ्यूचर का एनालिसिस किया हुआ है और 15 मिनट टाइम फ्रेम का एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो आप जो भी ट्रेड बनाएंगे वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम का कैंडल देखने के बाद ही आप ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि मंडे का जो आपका जो ट्रेड होगा वो काफी अच्छा जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।